भरतपुर जिले की खो थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 65 फर्जी एटीएम कार्ड, 8 बैंक पासबुक, चेकबुक और एक मोबाइल फोन सहित 1,03,000 रुपये ठगी की राशि और एक बाइक को जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कछावा ने संगठित साइबर फ्रॉड के संबंध में प्रभावी कार्रवाई के निर्देशन फरमाए थे। इसी कड़ी में मानवीय व तकनीकी आसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया था। आज दिनांक 6 जुलाई 2023 को अल सुबह भरतपुर डीएसटी की टीम को सूचना मिली कि डीप की तरफ से 3 मोटरसाइकिल पर 5 व्यक्ति जा रहे हैं, जिनके पास साइबर फ्रॉड करने के लिए भारी मात्रा में बैंक अकाउंट व एटीएम कार्ड हो सकते हैं। इस सूचना पर डीएसटी टीम द्वारा व खो थाना पुलिस द्वारा धमारी मोड़ पर नाकेबंदी की गई और मुताबिक सूचना तीन मोटरसाइकिलों पर 5 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रोककर तलाशी ली गई व पूछताछ की गई तो 5 व्यक्तियों के पास से 65 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 8 बैंक अकाउंट किट, 1,03,000 रुपये नकद व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। जिन्हें डीएसटी टीम ने पुलिस के साथ मिलकर साइबर ठगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खो थाना पुलिस और डीएसटी प्रभारी ने मिलकर 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से ठगी की 1,03,000 रुपए राशि, 65 फर्जी एटीएम कार्ड और चेकबुक सहित अन्य सामान को जब्त किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ये ऑनलाइन ठग बड़े बड़े लोगों को सेक्स टॉर्शनर और ऑनलाइन ठगी के जाल में फंसाते थे और फिर उनसे ब्लैकमेलिंग के तौर पर पैसे डलवाते थे और फर्जी एटीएमों का उपयोग करके उनमें खाते का ट्रांजैक्शन करते थे। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली और पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क के तहत डीएसटी टीम को इसमें शामिल किया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि साइबर ठगों से एक डायरी भी प्राप्त हुई है, उस डायरी के आधार पर अब बड़े खुलासे होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो ठग गिरफ्तार किए हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर।